इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है आई में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपियर करते हैं पांच से छह लाख के आसपास और सीट्स कितनी है thousand, तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं जिनका नहीं होता है जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ उनके रिश्ता क्या होता है उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं वो वो फिर उनकी चिंता करते हैं मैं एक मिनट नहीं नहीं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा रहा मैं आपके क्वेश्चन पे ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है मैं समझना मैं, चाहूंगा कैसे मैं, मैं, बता बता, हाँ। मैं दोनों मुद्दों पे बता हम सब हारने से डरते हैं और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है नाइनटी एट परसेंट केसेस में हारने से क्यों डरते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे तीन लोग बैठे ना रिश्तेदार रिलेटिव और फ्रेंड वो जीने नहीं देंगे आप जब भी आई की तैयारी करें पहला अटैम्प्ट आपका सीरियस अटैम्प्ट होना चाहिए आपने तैयारी किया एंड बेसिक्स तैयार किए आपने एडवांस कोर्स तैयार किया आपने कम से कम मेंस के हज़ार आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम दस हजार प्रिलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं तब आप एग्जाम देने जाइए सिर्फ एक अटैम्प्ट दीजिए जिसने भी पहला अटैम्प्ट सीरियस दिया उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती रिविजन करना पड़ता है भाई आप देखो ना जितने सारे सेलेक्ट लड़के होते हैं उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे होते हैं जॉब कर रहे होते हैं कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर जॉब करते वक्त तैयारी हो सकती है नहीं जॉब करते वक्त तैयारी तो नहीं हो सकती जॉब करते वक्त रिविजन हो सकता है थ्री आवर्स पर डे फोर आवर्स पर डे तो मेरी एडवाइस ये है क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है खेल है ये मैं खुद ही बाहर हुआ और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो पांच पांच छह छह अटेम्प्ट्स के बाद बाहर होते हैं तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है बहुत अच्छा है आपको मैक्सिमम रेस्ट लेना है तो आप दो ले लो उसके बाद अपना काम शुरू करो जो आपका सेकंड लाइन थॉट था कोई लॉयर बनना चाहता है कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है कोई मतलब जो भी आप इंटरप्रीनियोर बनना चाहते हैं आप करो लेकिन अपने वो रिविजन वाले फोर आर बचा के रखो आपने कितने दिए थे सर चार चार आपने दिए थे और आपने कहीं से कोचिंग ली थी यानी लाखों रुपए दिए थे कोचिंग में नहीं तब लाखों नहीं थे तब हजारों थे अच्छा हजारों रुपए आपने खर्च करे थे और आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे तो टोटल चार साल में आपको कितना पैसा लग गया होगा रहना खाना पीना और आपने तो पूरी तैयारी करी होगी साथ में कुछ और नहीं किया होगा, नहीं, कुछ, I नहीं थिंक सो। कुछ, नहीं, किया बिल्कुल तो कितना आपका चार साल में अच्छा खासा पैसा लाख रुपए लगे पाँच छह लाख रुपए उस समय लगे उस समय आज के समय पे अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो आई थिंक इससे तीन चार गुना पांच गुना आराम से लगेगा आराम से तो पंद्रह बीस लाख रुपए उस इंसान का लग गया और वो है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना यहाँ करा ना वहाँ करा चार पाँच साल बाद हाँ वही वही मैंने कहा कि अब आप जो हमारे समय तो ठीक था अब आप रिस्क पूरा नहीं ले सकते यू हैव टू बी कॉशियस अब इनको कॉशियस होना पड़ेगा कि ठीक है एक जैसे बड़े सारे लड़के क्या करते हैं वो एक दो अटैम्प्ट ऐसे ही देते हैं अब तो इनके पास छः अटैम्प्ट हैं ओ बी सी हैं तो और ज़्यादा हैं एस सी एस टी हैं तो और ज़्यादा है और मैं कहूँगा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आप दो अटैम्प्ट से ज़्यादा कभी मत मानिए

उसको तो फियर होता नहीं उसे कुछ पता नहीं उसने कोबरा देखा जाके पकड़ लिया वो तो बाद में घर वालों ने देखा तो पता चला कि भैया कोबरा पकड़ के घूम रहा है <laughs> लेकिन हम बड़े हो गए ना अब हम कोबरा देखेंगे तो वो हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो हमें वॉन करेगी अलर्ट करेगी दैट इज नेचुरल फियर वो अच्छी चीज़ है जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है वो ओवर थिंकिंग है आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है वो ओवर थिंकिंग से परेशान है अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है उस फैक्टर पे आते हैं ओवर थिंकिंग की वजह क्या है ओवर थिंकिंग की वजह ये है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है यू आर आउटसाइड योर हाउस तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंडन से आई क्या लाइफ है लंडन में यार और मैं तो ये कर रही हूं वो कर रही हूं आपको लगा हम ही पागल है यार आईएस की तैयारी कर <laughs> फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी नाइनटीज में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे हमारी जो लाइफ थी वह ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी आपने भी सर देखा होगा क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं काम कर रहे हैं अर्न कर रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है फिर क्या होता है हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं हाँ। एक हमने ओवर थिंकिंग की हम अपना संभाल ले किसी तरह हम घर के अंदर गए मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी बीस <laughs> लाख का पैकेज है उसका दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते तो एक तुम्हारा प्रेशर एक मां बाप का प्रेशर पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया क्या कर रही हो जी तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट पे ये कोई फियर नहीं है ये प्रेशर दूर कैसे होगा इस पर थोड़ी सी बात कर ले जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है आज का युवा क्या कर रहा है बादाम का तेल लगा रहा है बादाम की क्रीम लगा रहा है बादाम का साबुन लगा रहा है खारा गुटका <laughs> आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर तभी तो मैं जहां भी जाता हूं, एक चीज़ रिपीट करता हूं, योगा करो ध्यान करो ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा सर आपने जैसे कि अभी बोला कि मेंटल स्टेट के लिए एक्सरसाइज करो योगा करो तो पहले तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ठीक है मैं सुबह से मतलब योगा या एक्सरसाइज है मेरा डेली रूटीन है करना भी और कराना भी उसके बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मैं डिप्रेस हो जाती हूँ ये नहीं कि मन नहीं लगता इस चीज में ही मन लगता है फैमिली से भी पूरा मन लगता है ठीक है उसके बाद भी एंड ऑफ द डे डिप्रेस हो जाती हूँ तो उसको डिप्रेशन कैसे कम करीजिए हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे आज से करीब सात आठ साल पहले धोला से रात का टाइम था और हम दोनों मैं गाड़ी चला रहा था हम इंडिया गेट के सामने से निकले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बुढ़े हो गए हैं मैंने गाड़ी रोकी मैंने उतरू <laughs> तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ कहा उतरो तो उतरो जरा उतर गए दरवाज़ा बंद करो चले गए <laughs> आज तक मैंने उनसे बात नहीं की उनसे पूछते हैं आज अब तो खैर बात ही नहीं होती पर वो बहुत उन्होंने कोशिश की कि अब क्या हुआ तुम दिन भर अपने आप को मोटिवेट करती हो काम करती हो जब तुम वापस घर में आती हो अपने समाज में जाती हो तो सब तुम्हारे मेंटल स्टेटस का थोड़ी है वो तो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं इसीलिए तो माँ बाप हमारी संगत पे बड़ा ध्यान देते हैं तुम्हें लगता होगा कि माँ बाप कितने बदमाश हैं माँ बाप भगवान हैं उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेके जाया करो उनके सामने कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा इस जितना माँ बाप करते हैं कोई स्कैनर क्या करेगा सही बात है। देख के कोई फोटो कैमरा क्या फोटो खींचेगी देख के बता बहुत बहुत दुष्ट है, है। इसकी के तो ये हमारे साथ होता है इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा जाता था और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है मैं अभी अब घर गया था हमसे लोग कह रहे भैया चौबीस का चुनाव लड़ोगे मैंने कहा यार पॉलिटिकल पार्टियां कह रही कि तुम सीधे प्रधानमंत्री बन जाओ <laughs> अननेसेसरी परेशान अननेसेसरी दूसरों से मत और ये एक जगह का नहीं है ये यूनिवर्सल हो चुका है तुमने कह दिया कि मैं ऐस की तैयारी कर रही हूँ नहीं होता किसी का तिवारी जी की लड़की दी थी दो साल बाद पागल हुई तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रहे हो वो तो महेश्वरी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को जिंदा कर रखा है You, जब वो कोई सहारा नहीं होता आपने टाइप किया संदीप महेश्वरी एक वीडियो आ गया आप रिलैक्स हो गए जब आप इन्हें सुनते हो तो आपका टेम्परेचर हाई होता है तो एक ही आदमी को आप सुनते हो ना जिससे टेम्परेचर हाई हो हमको सुन लिया कुछ ज्यादा ही हाई हो गया <laughs> लेकिन <laughs> दो लोगों को छोड़ दो तीन लोगों को छोड़ दो चार लोगों को ऐसे दस बारह लोग हिंदुस्तान में है पॉपुलेशन वन बिलियन फिफ्टी करोड़ तो तुम दस लोगों को सुनो और बाकी जो तुम्हारे साथ पांच सौ जुड़े हैं वो तुम्हें तो नीचे ही ले आ रहे हैं। इससे बचो अपनी सर्कल को थोड़ा सा रिजर्व करो तुम किससे बात करते हो कौन सा लिटरेचर पढ़ते हो लिटरेचर पर ध्यान दो जैसे मैं रश्मिरथ पढ़ता रहता हूं खाली हुआ प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर ये जो बड़े बड़े मकान है कभी किसी बाज को यहां रहते हुए देखा कबूतर रहते हैं <laughs> क्या लाइन है प्रसादों के कनकाब शिखर कितने मतलब महलों के जो बड़े बड़े शिखर उसमें सिर्फ कबूतर रहते हैं प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर महलों में गरुड़ रहता है कंचन पर कभी न सोता कंचन मतलब सोना लग्जरी नहीं चाहिए तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है मैं आश्रम में था मैंने ज्यादा खाना खा लिया मेरा एक नियम है नो एक्सरसाइज नो फूड मतलब अगर खा एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा वहाँ एक बाबा जी प्रेम में उन्होंने घी पे घी डालते चले आ, <laughs> मैंने, खा लो फिर वो हुआ कि भाई यहाँ घूमने घूमेंगे चारों तरफ जंगल है डरा दिया इन लोगों ने एक बार एक भालू एक आदमी की टांग काट के लिए अरे <laughs> <laughs> मैंने कहा आज कोई भालू वालू नहीं आएगा मैं जाऊँगा फिर मैंने चार पांच लोगों को तैयार किया अपने साथ उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि जंगल में घूमने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है <laughs> वो लोग भी तैयार हो गए कि चलो तो हमारे साथ एक साहब अमेरिका से आए हुए थे वो भी वॉक करने निकले बोले हम भी चलेंगे मैंने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हो कहते हम भी चलेंगे मैं उनका नाम नहीं लूंगा एक किलोमीटर के बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरे बैग में बहुत पेन हो रहा है एक किलोमीटर तुम लोगों ने पता है अपने आप को कष्ट देना छोड़ दिया है यू आर डाइंग फॉर लग्जरी यू हैव बिकम वीक फिजिकली एंड मेंटली थोड़ा थोड़ा सा कष्ट दो अपने आप को थोड़ा टेम्परेचर hmm. हाई रखो थोड़ा बड़े टेम्परेचर वालों के साथ रहो हमने अपने आप को कष्ट हम कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हैं हाफ गर्लफ्रेंड <laughs> अच्छी है अच्छी है अच्छी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कुछ बोल देता हूं। अच्छी है आपने पढ़ी है <laughs> મેં જો કોઈ પકડ નિકાલ લેગા કોઈ વો ક્લિપિંગ નિકાલે ઓય ગાળી દે રહે થું નઈ નઈ આપને બહોત સારી galtiyan કરી દી આપકી જનરેશન ને આપને કો કસ દેના છોડ દિયા હા આપ پڑھیએ પડે પડે લોગો અંબેડકર કો પડો ઉનકા જીવન સંઘર્ષો કા પ્રભુ રામ કા જીવન પડો યે સબ સંઘર્ષ યે સબ લોગ હે જિન્હોને જીવન મે લડાઈયા લડી હૈ આપને ઉનકો સાઈડલાઈન કર દિયા આપ રાણા પ્રતાપ કે બારે મે કુછ જાનતે હી નહી હો આપકો વો પોએમ યાદ હી નહી હે ખુબ લડી મર્દાની વો તો ઝાંસી વાલી રાની થી आपको तो एक चीज बता दी ट्विंकल ट्विंकल how I wonder. आप wonder किया <laughs> <laughs> आपने कहा उसके पीछे क्या रीजन है आप बताइए जैसे कि मैं बाकी पेशेंट देखती हूँ पूरा दिन में हाँ हा। बट जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ ठीक है जो मैं उनको कहती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है ये करना है आपके लिए ये जरूरी है वो वो ये नहीं करते तो फिर वो मुझे डिप्रेस होता है कि मैं जब सबको सही करती हूँ घर में ही सही नहीं कर पा रही आप सबको सही नहीं करते हो आप उन लोगों को सही करते हो जो आपके पास आते हैं हाँ। exactly. तो अगर आपके पेरेंट्स सही नहीं होना चाहते हैं तो उनको कौन सही करेगा बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो नहीं करना चाहता उसको भी करवाना चाहते हैं फॉर exactly. एग्जाम्पल आप में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बोल दो हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे उठाड़ो जो उठाड़ सकते हो आप अकेले आ जाओ आप साथ में हो सर को ले आओ आप दस को ले आओ हम तो नहीं बदलने वाले उनका कोई कुछ कर सकता है समझ गए तो यहाँ पे किसका एक्चुअल में किसकी लाइफ बदलने वाली है यहाँ पर हो सकता है कुछ साल बाद आप ही में से कोई यहाँ पर बैठा होगा बट वो इंसान कौन होगा जो खुद अंदर से बदलना चाहता है कि जैसे हम लोग जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट से या फिर इन सब फील्ड्स में छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए जिससे देश में इंटरप्रन्य या फिर जॉब्स बढ़े फिर हम लोग देखते हैं आप लोगों को कि भाई यूपीएससी में यूपीएससी में एक ऐसी पावर होती है जो हम करना चाहते हैं वहाँ पे हमको डायरेक्ट पावर मिलती है जैसे कि मैं अगर एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट पावर होती है कि हम लोग वहाँ से कर सकते हैं तो मैं ऐसा मेरे पास ये क्वेश्चन फिर मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है ना ना नहीं चल रहा है ये इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते इसे कंफ्यूजन कहते हैं मतलब एक गोल होता है ना या फिर एक मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है नहीं सरकार जो कहेगी वो करना है हाँ, आपकी पार्टी आप का थोड़ी, 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 थोड़ी है घोषणा पत्र आप एक राजपत्रित अधिकारी है गैजेटेड ऑफिसर आपका जो मिनिस्टर होगा फोन मिलेगा मैडम जी

बेचारे को बताएं नेता देखा पार्लियामेंट देखा में पैर छू लिए तेरे फूफा है नहीं नहीं भैया नहीं भैया सांसद जी है सांसद जी है तो क्यों पैर छू रहा है तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है क्योंकि वो जानती नहीं है इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है ये है द राइट टू वर्क द राइट टू इंप्लीमेंट लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि <laughs> आप बेटा कंफ्यूजन से बाहर आओ ठीक है और ग्लैमर मत देखो आप बेसिकली पावर नहीं देख रहे हो आप ग्लैमर देख रहे हो आपको जो करना है उसको डिसाइड कर लो आप और उस रास्ते पे आगे बढ़ो कि आप कल किसी भी फील्ड के मुकेश अंबानी बन जाओ अडानी बन जाओ वॉरेन बफेट बन जाओ बिल गेट्स बन जाओ इस रास्ते पे जाओ थैंक यू सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो आपने बोला ना कि ये कॉन्ट्रोडिक्शन है सबसे पहले तो जो सर ने बोला कि ये कोई नहीं है ये है 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 बिल्कुल सही बात है। अब क्या क्या उसकी जड़ क्या है? आप क्या कर रहे हो आप बस हम लोगों की बातें सुन रहे हो से मैंने कुछ बोला इन्होंने कुछ बोला दोनों अलग अलग स्टैंड पॉइंट है मतलब इस दुनिया में आर्ट्स भी है साइंस भी है कॉमर्स भी है अब आप कहोगे अब तीनों में कॉन्ट्रोडिक्शन है अरे कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है डिपेंड्स अपॉन कि आपकी

20 ये तो पांच रुपए का काम है तो पंद्रह रुपए इसके पास में गए कितने लोगों ने एक दिन में खा लिए इतने पैसे कमा लिए वट अगर इस तरह का आपका माइंड है तो वहां पर ऑन्टरप्रनशिप स्टार्टअप इन सब चीजों का बेनिफिट है तो हर रास्ता हर एक के लिए नहीं होता है तो ये आपको कैसे समझ आएगा अपने पास को देख करके दूसरा अपने प्रेजेंट को देखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं सोचने से क्या होता है आपको ये भी तो देखना पड़ेगा आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं उसके बेस पर आप सोच सकते हो ना कल को आप कहो कि मैं एक ऐसी एक टेलीकॉम कंपनी लॉन्च करूंगी जो कि जियो को कंपटीशन देगी ठीक है सोच लो <coughs> कुछ नहीं होगा क्या है पीछे बैकग्राउंड क्या है आपके पास में क्या रिसोर्सेस है हाउ आर यू गोइंग टू कम्पीट तो आप फालतू में कुछ भी सोच रहे हो ना तो यहां पे कॉन्ट्रोडिक्शन क्या है कंफ्यूजन क्या है कुछ भी नहीं तो जब आपके रिसोर्सेज ही आपको अलाउ नहीं कर रहे वो करने के लिए तो सोच क्यों रहे हो तीसरा फ्यूचर में आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हो जैसे सर ने कहा कि पावर नहीं मिलती है वहां पे वहां पे सर्व करना होता है इस गलत गलतफहमी से बाहर आ जाओगे पावर मिल जाएगी पावर तो पूरी की पूरी एक है, जिस में, पर बैठी में, वो हमें पता ही नहीं है पॉलिसीज yes. का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, है इंप्लीमेंट करना होता है तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली exactly लाइफ में चाहिए क्या है आपका माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव आपको हमेशा दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं कि कुछ अजीब करना है कुछ अलग करना है यह करना है वो करना है तो फिर वो रास्ता आपके लिए नहीं है क्योंकि वहां पे आपके पास में पावर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी हैिटी नहीं है वहां पे पावर है पावर टू क्रिएट अब आपको देखना है कि एट दी एज ऑफ फोर्टी टू फोर्टी एट आप किसके जैसा बनना चाहते हो अगर एक टीचर बनना चाहते हो तो ये रास्ता है उसके अलावा जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है उन लोगों का आप लाइफ देख सकते हो वैसे बनना चाहते हो बहुत बढ़िया मेरे ऐसा बनना चाहते हो बहुत बढ़िया किसी और के जैसा बनना चाहते हो बहुत बढ़िया बट किस बेस पर अपनी पर्सनालिटी को देखो ना क्या लाइन हो रहा है सर uh, एक्चुअली uh, आपका सेशन देख के मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो आसपास के स्कूल है ना स्कूल क्लासेस जो है उनके पास मैं जाता हूँ बच्चों को थोड़ा सा ये करने के लिए तो मैं जाके वहाँ पे रश्मि रथ सुनाता सुना मेरे को आती है थोड़ी थोड़ी तो मैं वो सुनाता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनाता हूँ तो उन बच्चों का मैंने थोड़ा नोटिस किया तो वो क्या कह रहे थे मुझे कि सर जो टीचर है अभी जो सिखा रहे वो बस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और बोरिंग तरीके से सिखाते हैं ना कोई एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी नहीं करवाते कुछ नहीं करवाते और जब ऐसा कोई एडिशनल गेस्ट आता है जो कुछ एडिशनल सिखाता है तो उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है कि सामने वाले टीचर से भी वो वही एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे कभी कभी लगने लगा है कि मैं जाके गलत कर रहा हूँ या वो टीचर का वो स्टूडेंट का देखने का नजरिया बदल रहा है तो वो वहीं से वो एक्सपेक्ट कर रहा है और उनका मन वहीं पे नहीं लग रहा है वो सब्जेक्ट में तो अभी मैं क्या काम करने के दो तरीके हैं एक आपको काम करना ही है कोई ऑप्शन नहीं है एक है आप किसी भी कीमत पर काम करना चाहते हो जैसे मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाना चाहता ही हूं इसने मुझे इज्जत दिया सम्मान दिया प्रेम दिया मैं एक शादी में गया था दो दिन पहले लोग दूढ़े उड़े को छोड़ के मेरे पास आ गए <laughs> <laughs> दूसरा बेचारा प्रोसेशन में प्रस्ते यार सब मैसेज किया तुम से चले जाओ <laughs> उनके भाई ने मुझे मैसेज किया बड़े भाई ने कहा आवत यार तुम यहाँ से जाओ ये शादी नहीं हो रही है <laughs> <laughs> मतलब वो द्वार चार वगैरह सारा प्रोग्राम था वो सब बाहर हो जाओ सर हो जाओ सर तो हमारा जो देश का शिक्षक है उसके मन में कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो क्यों पढ़ाए जैसे हमारे घर मामा आए हमारे उनके आने पर हम बड़े खुश होते थे कि मामा आए क्यों क्योंकि हमें पता था कि जब जाएंगे तो पैसा दे जाएंगे <laughs> इस देश के शिक्षक को सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके मन में एक मोटिवेशन हो कि छह बजे का स्कूल है वो सुबह चार बजे पहुंच जाए कुछ ना करे इस देश की सरकार सिर्फ उनको वीआईपी का दर्जा दे दे फिर आप देखना पैसा तो कौन नहीं कमा रहा है शिक्षक सम्मान चाहता है मैं अपने टीचरों से पुराने मिलता हूं तो जैसे कहीं मिल गए वो सड़क पे मैं खड़ा हो गया रोक दिया सर हाँ सर चलिए तुरंत सीना कर लेते हैं हमारा बच्चा है जी शिक्षक एक दुनिया की ऐसी लॉबी है जिसको सम्मान चाहिए आप लोग कहीं भी अपने पुराने टीचरों को मिला करो ठीक है हो सकता है उन्होंने आपको कभी मारा हो डांटा हो कुछ बोला हो लेकिन अब आप उनको थोड़ा सम्मान दे दिया करो उसे बड़ा उन्हें फील होगा हमारे देश के शिक्षकों के पास इनर मोटिवेशन की कमी है कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहते हैं वो करते हैं हैं कई सारे टीचर लेकिन वो इंडिविजुअल कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने धर्म का एहसास होता है उनके लिए वो ड्यूटी नहीं होती वो धर्म है उनका तो वो तो जैसे भाई आप जाके आप धर्म के रूप में कर रहे हैं हाँ। दो चार टीचर और भी कर रहे हैं दस टीचर और भी कर रहे हैं लेकिन सरकार को टीचरों को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि उन्हें फील हो कि नहीं यार ये या हमारा देश है या हमारे बच्चे हैं हमें इनको बनाना है और ऊपर उठाना है तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर देगी ना सेल्फ मोटिवेशन दे देगी अरे फिर तुम देखना इस देश के टीचरों को सर इसमें आपसे बात करते करते ना मेरे माइंड में एक सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि एज एन ऑन्टरप्रन मेरे माइंड में सिस्टम एंड प्रोसेस घूमते हैं मतलब मेरे माइंड में ये घूमता है कि कैसे एक प्रॉब्लम है उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि वो काम अपने आप हो जाए क्योंकि ऐसे बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो अंदर से मोटिवेटेड होंगे तो ये थोरॉटिकली तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में बट हजारों में कोई एक आध होगा एक आध होगा बिल्कुल बिल्कुल तो अब मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है कि क्या हो अगर जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं रिव्यू कौन देता है जो कस्टमर है तो टीचर का रिव्यू कौन दे सकता है जो बाहर बैठा है उस कमरे से वो या जो कमरे के अंदर बैठे हैं तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए गवर्नमेंट का जहां पे सारे टीचर्स लिस्टेड हो और बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रिव्यूज एंड द क्वालिटी ऑफ रिव्यूज उनको रिवॉर्ड दिया जाए अच्छा वो ऑटोमैटिकली मतलब जो नंबर वन पे आया उसकी सैलरी डबल कि अगर उसकी पचास हजार आए तो अच्छा और जिसके इतने रिव्यूज आए यानी जिसके चार स्टार या उससे ऊपर आए उनकी सैलरी सीधा डबल हो गई तो फिर देखो क्या मजा आता है फिर हिस्ट्री पढ़ाने का जो स्टाइल है ना वो सारे टीचर्स आएंगे अवधा सर के चैनल पर और आ करके सीखेंगे भाई क्या कहानी है ये ऐसे कैसे पढ़ाएं कि बच्चे दीवाने हो जाए और फिर अपने आप, अपने आप आप को अपग्रेड करेंगे नहीं तो, तो अपग्रेड करने की मोटिवेशन कहा है नहीं जैसे कॉन्ट्रोप्रोर होता है उसके पास में तो मोटिवेशन होती है कि अगर मैंने अपने जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है या काम है उसको अपग्रेड किया तो करते ही मेरे को इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा जैसे सेल्स टीम में अगर आप कहीं पर काम करते हो कितने लोग सेल्स डिपार्टमेंट में हैं अलग अलग कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं तो सेल्स में इंसेंटिव का एक सिस्टम होता है yes, तो वहां पर क्लियर पता होता है कि मैंने ये टारगेट अचीव किया तो यह है तो एक क्लियर कट टारगेट होना चाहिए विच इज मेजरेबल नॉट थियरटिकल बट एक्चुअल ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव एक टारगेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स विच कैन बी कैलकुलेटेड एंड अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम जहां पे स्टूडेंट्स वोट करेंगे और जो टीचर्स जीतेंगे पूरे इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे उनको बुला करके जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो आकर के रिवॉर्ड देंगे सर थैंक यू सो मच सर आने के लिए यहाँ पर दिल से धन्यवाद मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ थैंक यू सर